हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नागपुर सिटी में G20 समिट होने वाला है 20, 21 और 22 तारीख को। सो दोस्तों, उसके उपलक्ष में पूरे नागपुर में अलग अलग टाइप का डेकोरेशन किया गया और आज हम लोग आए हैं दीक्षा भूमि में। और दोस्तों, मेरे साथ आप देख सकते हो कि दीक्षा भूमि जो कि पहले कुछ अलग था और आज कुछ अलग देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, दीक्षा भूमि भी देखेंगे और उसके साथ साथ नागपुर में क्या क्या हो रहा है, कौन सी टाइप की लाइटिंग्स लगी हुई है, कौन से फ्लैग्स आए हुए हैं, ये हम पूरा देखेंगे। और उसी के साथ दोस्तों, G20 में जो 20 इंटरनेशनल कंट्रीज का समावेश हुआ है, आज हम वो भी देखेंगे। सो गाइज, अभी हमारी जो जर्नी है दीक्षा भूमि से अभी निकलते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे कि गाइज आपको पता है कि नागपुर में G20, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सो हम देखेंगे अभी नागपुर में किस तरह से G20 का हाल चल रहा है। देख सकते हैं गाइज, हर तरफ हमारा तिरंगा ही तिरंगा, हमारे भारत की शान भी तिरंगा, हमारा जान भी तिरंगा, हमारा मान भी तिरंगा। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है गाइस ये आज का जो सफर है, हम जिस सफर पर निकले हैं। नागपुर में ऐसा एक भी कोना नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर इस तरह का माहौल ना हो। यह भी आप देख सकते हैं मेट्रो भवन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल का भवन, जो कि उसके आगे से पूरी तरह से सज चुका है। भाई ऐसी सजावट और ऐसा तरह का जो कहते हैं लुक, इतने सालों से हम नागपुर में रहे लेकिन हमने शायद ही कभी ऐसे देखा होगा। हेलो गाइस, आज का जो दिन है बड़ा ही यादगार रहेगा, क्योंकि हमारी इस वीडियो के पीछे गाइस बहुत मेहनत है, जो कि आप जल्दी देखने वाले हैं। हमारे और ये बारिश शुरू मेरे दोस्त, और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। सो गाइस, वापस हम अपने रास्ते से आ चुके हैं रहाटे कॉलोनी स्क्वायर से होते हुए। यहाँ पर देख सकते हैं बारिश का तो मौसम है, लेकिन जो हमारे अंदर ताजगी से भरा मौसम है वो कभी कम नहीं होने वाला है। जोश और जुनून के साथ नागपुर में G20 की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि नागपुर में ऐसा शायद ही हमें कभी मौका देखने को मिले, इस तरह की तैयारी हमें शायद ही कभी देखने को मिले। गाइस देख सकते हैं मेरे एकदम आप आगे में क्या माहौल सीनरी बना है। आई मीन रियली यार, मैं देख के पूरा एडिक्ट हो गया इसका। ऐसा नज़ारा शायद ही हमें देखने को मिले G20। डेकोरेशन आपको कभी देखने मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी आपको मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा गाइस, लेकिन जो भी है अभी मजा उठा लीजिए, क्योंकि शायद ही ऐसे हमें फिर से ऐसा मौका देखने को मिले।
हमारे नागपुर में वन ऑफ द मोस्ट एंड ऑल टाइम डेकोरेटेड प्लेस हमारे यहाँ का क्लॉक टावर देख सकते हैं यहाँ का आगे का डेकोरेशन। आप जिस तरह से रोशनाई हुई है ऐसा आपको शायद ही कभी देखने को मिले। मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ शायद ही, क्योंकि ऐसा लम्हा दोस्तों बार बार नहीं देखने मिलेगा। और ये आपको देखने को मिल रहा है हमारे अपने YouTube चैनल से। किसने आज ऐसा सोचा भी नहीं होगा और समझा भी नहीं होगा। हमने हमेशा सुना है दोस्तों अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसी इनक्रेडिबल इंडिया का हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्क्वायर जो नागपुर में एक फेमस एरिया के तौर पर है माना जाता है, उसी की एक झांकी छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों के साथ वर्क इन प्रोग्रेस में आप जैसे देख सकते हैं, जो कि शायद ही आपको ऐसा कभी नज़ारा देखने को मिले। यह सफर जल्दी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों, और आगे बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। बहुत कुछ और देखना है, ये तो कुछ भी नहीं है।
amazing experience we have now in Nagpur. Welcome G20 Firewall, जो कि अब तक का Welcome G20 का पायरो देख सकते हैं गाइस, जो अब तक का सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि नागपुर में तो भी इससे बड़ा पायरो आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। क्या कहने यार, महा मेट्रो की तरफ से जो कि एक्सक्लूसिव से बनाया गया है। वेलकम G20 दोस्तों, नागपुर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्ट है दोस्तों, वहाँ पे वेलकम G20 का एक 3D आर्ट हमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा औसम लगता है। और दोस्तों, मैं भी चाहूँगा कि आप खुद आए यहाँ पे, सेल्फीज कीजिए और वीडियोस भी शेयर कीजिए। और आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है एंड मेनी मोर। सो Thank you.